गुलाब की नाजुक पंखड़ियों को फ़ायदों के बारे में आपने जो भी सुना होगा वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती से जुड़ा होगा। लेकिन क्या आपने गुलाब के फूलों से बने हुए गुलकंद के फ़ायदों के बारे में पढ़ा है या फिर कहीं सुना है? अगर नहीं तो चलो आज जानते हैं कि कैसे रूप के साथ मन को भी निखार देते हैं यह गुलाब के फूल। गुलाब की ताज़ा पंखड़ियों को शक्कर के साथ या शहद के साथ मिलाकर एक निश्चित समय के लिए स्टोर किया जाता है। कुछ वक्त बाद शहद या शुगर में मिलाई गई गुलाब की ये पंखुड़ियाँ अपना रस छोड़ देती है और पूरी तरह इस स्वीट लिक्विड में मिल जाती है। इसी तरह मिश्रण को गुलकंद कहा जाता है। आयुर्वेद में गुलकंद को औषधि की संज्ञा दी गई है। कई दवाइयाँ का कुछ खास बीमारियों में प्रभाव बढ़ाने के लिए गुलकंद खाने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि गुलकंद खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर कुछ गर्म और तीखा खाने के बाद आपके पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या हो रही है तो आप 1 से 2 चम्मच गुलकंद खा लीजिए। इसका सेवन आपको तुरंत पेट की इस तकलीफ से राहत दिलाएगा। अगर किसी को कब्ज़ की समस्या रहती है तो खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच गुलकंद का सेवन किया जा सकता है। इससे आपका पाचन बेहतर होगा और कब्ज़ की समस्या से राहत पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गुलकंद हमारी आंतों में हेल्पफुल गट बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है जो खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको मुंह में छालों की समस्या हो रही है तो आप गुलकंद का उपयोग कर सकते हैं। गुलकंद खाने से पेट में ठंडक पहुंचती है और मुंह के छालों को भी आराम मिलता है। ना सिर्फ गुलाब जल लगाने से बल्कि गुलाब से बने गुलकंद को खाने से भी पिंपल्स दूर करने में मदद मिलती है। दरअसल गुलाब हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह तेजी से स्किन की इम्प्योरिटीज दूर कर असर दिखाता है। गुलकंद खाने से नींद ना आने की समस्या दूर करने में भी मदद मिलती है। अगर आप रोज़ रात को सोने से करीब आधा घंटा पहले दूध के साथ गुलकंद का सेवन करेंगे तो आपका मन शांत होगा और आप अच्छी नींद सो सकेंगे। दरअसल दूध और गुलकंद की मदद से ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ाने में सहायता मिलती है। यह हार्मोन हमारी स्लीप क्लॉक को मैनेज करने का काम करता है। जिस तरह आयुर्वेद में हर फल और सब्जी का एक खास गुण बताया गया है, उसी तरह हर फूल का भी एक खास गुण और प्रकृति बताई गई है। गुलाब को मानसिक शांति और सेक्स हार्मोन बढ़ाने वाला फूल माना गया है। शायद यही वजह है कि सर्दियों से गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक माना जाता रहा है। गुलकंद खाने से महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही सेक्स लाइफ बेहतर रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।